कोरोना के इस संकट में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम दीपेंद्र के सदस्यों की ओर से की जा रही कोरोना संक्रमितों की मदद को लेकर अब मीडिया घराने भी उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज चैनल आज तक ने भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा की सराहना करते हुए हरियाणा में कोरोना मरीजों के लिए मददगार बनकर आगे आए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा नाम से आर्टिकल प्रकाशित कर उनकी ओर से किए जा रहे कामों के बारे में विस्तार से समाचार प्रकाशित किया है। न्यूज चैनल आज तक ने लिखा है कि कोरोना महामारी के बीच देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों को बचाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा अपने सैकड़ों वॉलंटियर के साथ प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर अस्पतालों में बेड और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की मदद पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने बकायदा प्लाज्मा डाटा बैंक भी बनाया है, जिसके जरिए कोरोना मरीजों को मदद पहुंचाई जा रही है। टीम दीपेंद्र से जुड़े हुए लोग प्रदेश के हर जिले में जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन, दवाई, हॉस्पिटल बेड और प्लाज्मा जैसी आवश्यक चीजें मुहैया करा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा अपने सोशल मीडिया अकाउंट और उनकी सोशल मीडिया टीम को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी उस टीम दीपेंद्र से जुड़े हुए लोगों को एक बार फिर से सक्रिय किया है, जिसने पिछले साल पहली कोरोना लहर में लोगों को भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइजर से लेकर हर संभव मदद पहुंचाई थी। इस बार टीम दीपेंद्र के लोग इस मुश्किल की घड़ी में मरीजों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने से लेकर प्लाज्मा देने तक का काम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कहना है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि हर किसी को राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद में आगे आना चाहिए। हरियाणा का एक बेटा होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि इस मुश्किल घड़ी में हम अपने परिवार के लोगों की सेवा करें। हरियाणा का हर एक नागरिक हमारे परिवार का सदस्य है। ऐसे में हमने प्रदेश में करीब 250 लोगों की एक टीम बनाई है जो कोरोना मरीजों के हर परेशानी को हल करने का प्रयास कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कोरोना महामारी में हरियाणा के सभी जिलों में टीम दीपेंद्र के 250 सदस्य लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। प्रदेश के हर एक जिले में 10 से 12 सदस्य हैं जो कोरोना पीड़ितों की सहायता में लगे हैं। टीम दीपेंद्र के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जिले में एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों के नंबर दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई सोशल मीडिया पर या फिर कॉल करके किसी तरह की मदद की गुहार करता है तो टीम एक्टिव हो जाती है। आज तक पर प्रकाशित समाचार में कहा गया है कि अभी तक दीपेंद्र हुड्डा की टीम से कुल 8,000 लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई है, जिनमें से करीब 5,000 लोगों की समस्या हल की गई है। करीब 2,500 कोरोना मरीजों को टीम दीपेंद्र ने अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराए हैं, तो 2,000 के करीब लोगों के घर तक हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा 300 लोगों को अभी तक टीम दीपेंद्र के द्वारा प्लाज्मा उपलब्ध कराने का काम किया गया है और 200 लोगों को रेमडेसिविर पहुंचाए गए हैं। हरियाणा में किसी भी कोरोना मरीज की मदद करवाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन करके या फिर ट्विटर पर टैग करके मदद मांगते हैं। दीपेंद्र हुड्डा खुद अपनी टीम के साथ सभी संदेशों को ट्रैक करते हैं और हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। लोग इनकी सराहना भी कर रहे हैं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा के ट्विटर प्रोफाइल को गौर से देखें तो पता चल जाएगा कि रोजाना सैकड़ों लोगों को मदद पहुंचाई जाती है और स्टेटस रिपोर्ट को पोस्ट करने वाले के साथ शेयर किया जाता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर खुद दीपेंद्र हुड्डा स्थानीय प्रशासन, डीसी, सीएमओ आदि आला अधिकारियों से बात करके समस्याओं का समाधान करवाते हैं। हल्ला बोल हरियाणा।